नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट टू, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। पहले वाली लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट वन पढ़ा था, जिसमें जाना था कि कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले पार्ट में। आर्टिकल 1 to 4 के बारे में हम जान चुके थे, अब हम उसके आगे के पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स में क्या बात हुई थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को 4 हिस्सों में या इंडियन टेरिटरी को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला पार्ट बनाया गया जिसमें प्रोविंसेस को रखा गया, पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट आते थे, पार्ट सी में कमिश्नरी एरियाज, चीफ कमिश्नरी एरियाज आपके पार्ट सी में रखे गए, और पार्ट डी में आपका अंडमान एंड निकोबार आया। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो जो इंडियन टेरिटरी थी उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। पार्ट ए में आपके प्रोविंसेस रखे गए थे, पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स थे, पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात हो रही है, और पार्ट सी में चीफ कमिश्नरी एरियाज की बात होती है। लेकिन जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ते चले गए तो डिमांड उठने लगी कि टेरिटरीज़ को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा जाए। तो सबसे पहले आपका धर कमीशन बना। धर कमीशन आपका जून 1948 में बना। इसके जो चेयरमैन थे वो एस के धर थे। जो डिमांड उठ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे टेरिटरीज़ को डिवाइड किया जाए, टेरिटरीज़ को बांटा जाए लैंग्वेज के बेसिस पे, उसको इन्हीं ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट द लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के आधार पे जो भी बात हुई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, इन्हीं ने रिजेक्ट कर दिया। और इन्हीं ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे स्टेट्स या टेरिटरीज़ को बांटना जाना चाहिए। तो इसके जो चेयरमैन थे आपके एस के धर, इसके चेयरमैन थे। और धर कमीशन कब आया था? जून 1948 में आया था, और ये पहला कमीशन था, और इसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था कि लैंग्विस्टिक बेसिस पे आप टेरिटरीज़ को नहीं बांट सकते, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बांटिए। इसके बाद जेवीपी कमेटी बैठाई गई। जेवीपी कमेटी 1948 में बैठी थी। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पाटली भाई सीतारामैया, तीनों ने मिल के कमेटी बैठाई थी, और इन तीनों के नाम पर ही पड़ी थी जेवीपी कमेटी। उसने भी ये रिजेक्ट कर दिया था कि लैंग्विस्टिक की बेसिस पे आप नहीं कर सकते, मतलब लैंग्वेज के आधार पे आप इसको नहीं कर सकते, मतलब टेरिटरीज़ को नहीं बांट सकते लैंग्वेज के आधार पे। उसके बाद अक्टूबर 1953 में आपका पहला स्टेट बना आंध्रा। आपका पहला स्टेट बना जो किस पे बना? लैंग्वेज के आधार पे बना। ये पहला स्टेट था जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया। ये कैसे बना? 1953 दिसंबर में एक कमीशन बैठा जिसका नाम था फजल अली कमीशन। उसके चेयरमैन थे आपके फजल अली साहब, और इन्हीं ने एक्सेप्ट करा कि टेरिटरीज़ को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा जाना चाहिए, टेरिटरीज़ को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा जाना चाहिए। और आपका पहला स्टेट जो बना था वो आपका आंध्रा बना था, यानी आंध्र प्रदेश 1953 में अक्टूबर में बना था। मतलब बन गया था, ये तैयार हो गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन 1956 में हुआ था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका आया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया, उसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए लैंग्वेज के बेसिस पे। आंध्रा पहला था, लेकिन उसके बाद और भी स्टेट बनाए गए, टोटल 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, और सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सिक्किम को 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत इसको स्टेट बना दिया गया था। सिक्किम के बारे में पढ़ा था आर्टिकल 3 में कि सिक्किम को हम लोगों ने आर्टिकल 3 से सिक्किम को हम लोगों ने इंडियन स्टेट्स में लिया था, के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ा था। ये एग्जांपल था, सिक्किम में फॉरेन टेरिटरी थी उसको फिर इंडियन स्टेट ने मिलाया गया था आर्टिकल 3 के हेल्प से। तो अमेंडमेंट किया था 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974 से इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, फिर 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 से इसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। आर्टिकल 3 के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी बिल पास होता है जो स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करने के लिए होता है, मतलब स्टेट की बाउंड्रीज़ को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है, वो पहले पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट में जाता कैसे है कि प्रेसिडेंट की परमिशन से ही वो पार्लियामेंट में जाता है, ऑन द प्रायर परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, और किसकी एडवाइस पे? एडवाइसरी स्टेट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट की परमिशन लेके वो पार्लियामेंट में जाता है। उसके बाद लोकसभा या विधानसभा से वो पास होता है सिंपल मेजोरिटी से, एज़ पर आर्टिकल फोर में उन्होंने पढ़ा था कि कोई भी बिल अगर इन आर्टिकल 3 या आर्टिकल 2 के लिए पास होता है तो वो सिंपल मेजोरिटी से जाता है।
सिंपल मेजोरिटी से आर्टिकल 4 से वो पास होता है ईच हाउस से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको एक्ट बना देता है। कहने का मतलब ये है कि जब बिल पास होता है बाउंड्रीज को अल्टर करने के लिए, तो किसकी परमिशन से पास होता है ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, तो ये प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होती है। और किसकी एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट इसमें, एडवाइस लेता है एडवाइजरी स्टेट्स की। पार्लियामेंट में जाता है लेकिन जाता किसकी परमिशन से है, प्रेसिडेंट की परमिशन से। 69 अमेंडमेंट एक्ट से हमने दिल्ली को नेशनल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत गोवा, दमन और दीव को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिला लिया गया। 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाया गया। 69 अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस देता है किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। आर्टिकल 35A स्पेशल राइट्स देता है जम्मू एंड कश्मीर को। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस देता है, आर्टिकल 35A स्पेशल राइट देता है जम्मू एंड कश्मीर को। अभी हमारे पास इस वक्त कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी यूटी ऐसी हैं जिनकी खुद की विधानसभा भी है, तो 3 यूटी ऐसी हैं जिनके पास खुद की विधानसभा भी है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। इन तीनों में अपना विधानसभा भी है ये, और ये यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें विधानसभा भी है, मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, अगर कौन से स्टेट्स कब कब इस्टेब्लिश होता है, कभी कभी सीक्वेंस में कुछ पूछ ले आता है, तो आपका केरला 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद आपका महाराष्ट्र 1960 में, उसके बाद हरियाणा 1966 में और मणिपुर 1972 में। तो ये कुछ चार स्टेट्स हैं जो अपने सीक्वेंस में मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, कैसे कैसे कब कब वो बने थे। 1956 में केरला बना था, महाराष्ट्र 1960 में बना था, हरियाणा 1966 में, मणिपुर 1972 में। एक पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स और चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट्स। अगर नाम बदल रहे हैं या नया स्टेट बना रहे हैं तो अमेंडमेंट हमें करना पड़ता है किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची जो स्टेट्स के बारे में या टेरिटरीज के बारे में डील करती है, तो हमें उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है अगर हम किसी स्टेट का नाम बदल रहे हैं या किसी स्टेट में कोई चेंजेस कर रहे हैं। अभी हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल्स के बारे में, तो उसमें पढ़ेंगे फर्स्ट अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरीज के बारे में ही होती है। 1987 गोवा को स्टेटहुड बना दिया गया, गोवा वॉज कन्फर्म्ड टू द स्टेटहुड। 1950 यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1950 यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो ये मैं उस हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। 14th अमेंडमेंट एक्ट से पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। क्वेश्चन आता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट से पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो 14th अमेंडमेंट एक्ट था वो। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता पौंडीचेरी को किस अमेंडमेंट एक्ट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, 14th अमेंडमेंट एक्ट। लक्षद्वीप का नाम कब चेंज किया गया था, 1973 में आइलैंड का नाम चेंज करके लकाडीव, मिनकॉय, अमीदीवी आइलैंड का नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके सुझाव दें और हम अपनी वीडियोस को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।